राधे राधे दोस्तों, आज मैं आया हूँ मथुरा वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर। आज हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर राधा कृष्ण जी के दर्शन करने। ये प्रेम मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री होती है। एंट्री करते ही पहले थोड़ी सी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद आप सभी प्रेम मंदिर के दृश्य देख सकते हैं। सभी रात के दृश्य है। रात में मंदिर कई रंगों में बदल जाता है, इसकी लाइटिंग बहुत ही शानदार होती है। अगर आपको प्रेम मंदिर देखना है तो रात के समय में आइए, क्योंकि रात के समय में नज़ारा कुछ अलग ही होता है। रात के समय नज़ारा कुछ ऐसे होता है और दिन के समय में प्रेम मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखाई दे पड़ता है। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है जो यहाँ पर रास लीलाएँ देखने आते हैं। ये वृंदावन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण जी के जीवन काल के सभी झांकियाँ उपस्थित हैं। एक तरफ जहाँ कृष्ण जी की गौओं का दृश्य है, दूसरी तरफ राधा नाम जी का बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। यहाँ पर राधा जी अपने सखियों के साथ राज सिंहासन पर बैठी हुई हैं। ये दृश्य कालिया नाग को सबक सिखाते हुए कृष्ण जी द्वारा नृत्य का है और ये दृश्य रात का है। रात में ये कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। ये प्रेम मंदिर की सीढ़ियां हैं और ये रास्ता प्रेम मंदिर के अंदर जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। ये एक और ही झांकी है जहाँ पर गैये चराई जा रही हैं और बहुत ही सुंदर फूल क्यारियों में लगे हैं। ये नज़ारा देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाते दिखाई देने पड़ रहे हैं। ये बगीचा बहुत ही सुंदर फूलों के साथ घिरा हुआ है। ये हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंदिर में जाते ही भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ आरती का समय हो गया है इसलिए काफ़ी भीड़ हुई है। दीवारों पर तरह तरह के चित्र बने हैं और काफ़ी झांकियाँ और मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई पड़ती है। छत पर बहुत ही सुंदर नक्काशी हुई है और ये झूमर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ आप राधे कृष्ण जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये आरती का समय है और आरती हो रही है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी अपने सखियों के साथ संगीत सुनते दिखाई पड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर का बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई है और मंदिर की द्वारों पर भी तरह तरह के चित्र लगे हैं। ये वृंदावन का मंदिर कृपालु महाराज जी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए वृंदावन वासियों की रक्षा कर रहे हैं और उनके सखा भी उनकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ जगह जगह श्री राधा जी का नाम दिखाई पड़ सकता है, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर जगह जगह आप राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएँ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर कृष्ण जी राधा जी के साथ झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सुंदर मोर और उनकी सखियाँ कृष्ण राधा जी के साथ संगीत का आनंद ले रहे हैं। ये मंदिर का रात का दृश्य है जहाँ पर बहुत सुंदर बगले दिखाई पड़ रहे हैं और राधा कृष्ण जी अपने सखियों के साथ यहाँ पर रास लीलाएँ कर रहे हैं, जो कि दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। पास में ही शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ये कृष्ण जी की झांकी है, जो कि उनके द्वारा कालियानाग को दंड दिया जा रहा था, उसकी ये झांकी है। आप देख सकते हैं कि रात के समय में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है और ये मोटर के द्वारा संचालित होती है। इस पर कृष्ण जी नृत्य करते हैं। अगर आप सभी को प्रेम मंदिर देखना है तो रात के समय में जाइए। यहाँ पर काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं, रात के समय में देखने का बहुत आनंद है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।